नेहा धूपिया हिंदी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। नेहा साल 2002 में फेमिना मिस इंडिया का ताज अपने नाम कर चुकी हैं। नेहा अपनी कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी और पहचानी जाती हैं। आइए आपको बताते हैं नेहा धूपिया की अनसुनी कहानियाँ। नेहा धूपिया का जन्म 27 अगस्त 1980 को कोच्चि में हुआ। उनके पिता प्रदीप सिंह धूपिया इंडियन नेवी में ऑफिसर पद पर कार्यरत रहे। उनकी माँ मनपिंदर एक गृहिणी है। नेहा धूपिया ने अपनी पढ़ाई नेवल पब्लिक स्कूल और आर्मी स्कूल धौलाकुआं से संपन्न की। वो बायोलॉजी में स्नातक हैं। नेहा धूपिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2003 में अजय देवगन स्टार फिल्म कयामत से की थी। इस फिल्म में वो अजय देवगन की लवर के रूप में नजर आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसतन व्यापार किया था। उन्हें हिंदी फिल्म में प्रसिद्धि जूली और शीशा से मिली। फिल्म में उन्होंने दो जुड़वा बहनों का किरदार निभाया था जो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। इसके बाद एकता कपूर की कॉमेडी फिल्म क्या कूल हम में नजर आई। इस फिल्म में उनके ओपोजिट तुषार कपूर और रितेश देशमुख नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस किया था। इसके बाद वो एक्शन ड्रामा फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में दिखाई दी। इस फिल्म में उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत साबित हुई। उसके बाद वो फिल्म 10 कहानियां में नजर आई। साल 2008 उनके लिए सबसे सफलतम साल रहा। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया जिसमें चुप चुप के मीठिया, सिंग इज किंग, 1:40 की लास्ट लोकल शामिल है। नेहा धूपिया ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा कर दी है। नेहा धूपिया ने इंस्टा पर बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए फोटो पोस्ट की। इस फोटो में नेहा के साथ उनके पति अंगद बेदी भी नजर आ रहे थे। इससे पहले नेहा ने अंगद बेदी से 10 मई को दिल्ली में सीक्रेट मैरिज करके सबको चौंका दिया था। हालांकि अंगद बेदी ने नेहा को बहुत पहले प्रपोज कर दिया था लेकिन तब नेहा किसी और के प्यार में दीवानी थी और उन्होंने अंगद के प्यार को ठुकरा दिया था। आपको बता दें कि शादी से पहले नेहा के अफेयर्स के चर्चे बड़े मशहूर रहे हैं। नेहा का युवराज सिंह स्क्वैश प्लेयर ऋत्विक भट्टाचार्य से अफेयर रहा। ऋत्विक के साथ तो नेहा धूपिया के करीब 10 सालों तक रिलेशनशिप रहे। ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ देखे जाते थे पर अचानक 2010 में इनका ब्रेकअप हो गया था। हालांकि दोनों ने ब्रेकअप की कभी वजह नहीं बताई। इसके बाद नेहा का नाम जुड़ा युवराज सिंह के साथ। दोनों का अफेयर भी काफी चर्चा में रहा। साल 2014 से दोनों साथ देखे जाने लगे। कई पार्टियों और इवेंट्स में उन्हें साथ देखा जाने लगा। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि बाद में नेहा ने इसका खंडन किया। इसके बाद नेहा का नाम जुड़ा जिम सिल्वेस्टर से। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और करीब 3 साल तक डेट करने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इस रिलेशनशिप के ब्रेक होने को लेकर कहा गया कि इनके बीच ये लॉन्ग डिस्टेंस की बहुत मुख्य वजह थी। नेहा धूपिया ने साल 2002 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। वो बॉलीवुड की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस के रूप में जानी और पहचानी जाती हैं। नेहा ने कयामत, जूली और शीशा जैसी कई फिल्मों में बेहतर काम किया। आखिरकार 10 मई को एक्ट्रेस ने बेस्ट फ्रेंड अंगद बेदी से शादी कर ली। नेहा ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला बताया। नेहा अपने करियर को लेकर काफी खुश है। वो कहती है अपने करियर के इस फेज को वो एंजॉय कर रही है। वो खुश है कि उनकी पहचान एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर बन रही है। उम्मीद है छोटे बड़े पर्दे से लेकर अब तक का जितना भी सफर है उन्होंने इसे आत्मविश्वास के साथ तय किया। नेहा धूपिया विवादों और असफलताओं के बाद भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखी हुई है। नेहा की पहचान भले ही बोल्ड किरदार के लिए रही हो लेकिन उनका कहना है कि पर्दे पर रिझाने वाला किरदार निभाना कोई आसान काम नहीं है। नेहा अपने बोल्ड अपीयरेंस की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और फिलहाल वो चर्चा में है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। तो ये है नेहा धूपिया की अनसुनी कहानियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।